अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। काम बाधित हो रही है, बहुत ज्यादा काफी टाइम से बाधित हो रहा है, 2 महीने हो गए हैं करीब। किस तरह का काम है? काम अतिक्रमण हटाने का है, सेक्टर पे जो ब्लॉक लगते हैं वो अतिक्रमण हटा के ब्लॉक लगाने हैं वहाँ पर, और विकास करना है सेक्टर का। क्योंकि जो आपके हाथ में कागज है वो बोल रहे हैं न्यायालय का मामला है, तो न्यायालय में क्या मामला है ये? नहीं सर, ये सब फर्जी है, न्यायालय से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। किस तरह का मामला फर्जी, मतलब आप कैसे उसकी पुष्टि करें? मतलब वो जो एक हमारे यहाँ मेंबर हैं, घर है, उनके घर के सामने पिल्लर खड़े हुए हैं, वो पिल्लर अतिक्रमण में आ रहे हैं, मतलब वो रोड पे ही खड़े हुए हैं, लेकिन वो पिल्लर इस तरीके के खड़े हैं और वो हटाने में बिल्कुल असमर्थ है, हटा नहीं रहे हैं। कितने समय से ऐसी स्थिति बनी है? कम से कम क्या हो रही है, ढील किस कारण हो रही है, किस कारण ये सब हो रहा है, उसका हमको जवाब चाहिए। एक साइड नगर निगम बोलते हैं हम विकास कर रहे हैं, दूसरे साइड आप लोग जन सुनवाई में आ रहे हैं। सर विकास कहाँ से कर रहे हैं, 2 महीने से हम लोग परेशान हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने में प्रॉब्लम है, और नालियाँ, चैम्बर, रोड सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, पूरा चैम्बर पूरा खुले पड़े हैं। आपका नाम? मेरा नाम निधि विश्वकर्मा है। बताना चाहता हूँ, C4 चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है मेरे वार्ड में, करीब 1.5 महीने पहले से, 1.5 महीने से मेरे वार्ड में कार्य चल रहा है। करीब 70 से 80 उस सेक्टर में मकान आते हैं, उस सेक्टर में जाने के 3 रास्ते हैं, तीनों रास्तों पर अतिक्रमण था। नगर निगम में लोगों के द्वारा स्वच्छता ही स्वेच्छा से लोगों ने अतिक्रमण हटाया, जिन लोगों का अतिक्रमण नहीं हटा था नगर निगम प्रशासन ने, उन लोगों का अतिक्रमण हटाया। मात्र एक अतिक्रमणधारी की वजह से आज पूरे 1 महीना से 1.25 महीना हो गया है, मेरे वार्ड की जनता निकल नहीं पा रही है, पांव रख नहीं पा रही, क्योंकि पूरा कीचड़ पड़ा हुआ है, परेशान हो रही है। नगर निगम के अधिकारियों को उस व्यक्ति से क्या किस प्रकार का लाभ है मुझे ये पता नहीं लग रहा है, कि वो बार बार बोल रहा है कोर्ट से स्टे लेके आए। मैं बोल रहा हूँ ये कोर्ट में स्टे, ये मैं कोर्ट के पेपर, मुझे नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कोर्ट में स्टे लगा दिया गया। अब मैं बताऊँ स्टे में कहीं से कहीं तक भी उसका कोई रोकने का आदेश नहीं है, वो बोल रहा है लोगों को कि मैंने स्टे ले रखा है, नगर निगम के अधिकारी को क्या डर है उस व्यक्ति से? क्योंकि आप जनसुनवाई में गए, SDM साहब से अपनी चर्चा भी करी थी? नहीं, हमने SDM साहब को मना किया, हमने SDM साहब को बोला है कि हम कलेक्टर साहब को ही ज्ञापन देंगे, अभी कलेक्टर साहब का बोला है, कलेक्टर साहब आने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस एक अतिक्रमणधारी की वजह से पूरे वार्ड का काम रुका पड़ा है, आज पब्लिक निकल नहीं पा रही, वो छोटा सा वार्ड था, छोटी छोटी गली आती वहाँ पे कचरा गाड़ी पहुँच नहीं पाती थी। आपने नगर निगम कमिश्नर से बात नहीं करी इसके लिए? आप क्षेत्रीय पार्षद पति भी है जी। एक्चुअल मैं नगर निगम के सभी अधिकारियों को अवगत करा चुका हूँ, मैंने नगर निगम के अधिकारी सौरभ त्रिपाठी, इंदू भारती, क्या पता मैंने नगर निगम में अभी कुछ दिन पहले नगर निगम के कुछ अधिकारियों को 20-20 साल से जमे बैठे हैं, और उन जमे हुए अधिकारियों को हटाने के लिए मैंने नगर निगम में एक आवेदन दिया था, उस आवेदन के आज कारण मेरे वार्ड में काम पूर्णतः बाधित कर दिया गया है। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे घर के सामने एक शौचालय बन रहा है, शौचालय बन के रेडी है, पर वो उसमें टाइल्स नहीं लग पा रही है, उसमें टाइल्स तो लग गई पर उसमें पत्थर नहीं लग पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे छोटी छोटी मुझे बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, मुझे परेशान किया जा रहा है। क्या आशा रखते हैं? मैं अभी आज कलेक्टर साहब को आवेदन दूंगा, कल हमारे प्रथम नागरिक महापौर जी को भी, कल क्षेत्र के लोगों के साथ में जाके, और मैं नगर निगम में भी आवेदन दूंगा। आपका नाम और कौन सा वार्ड से? राजेश वर्मा, पार्षद प्रतिनिधि, आवास नगर।